हाय दिस इज हाइलस हियर, वेलकम टू द हाइलस गेमिंग चैनल। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एस फाइटर। एस फाइटर का मीनिंग देखा जाए तो ए मिलिट्री एविएटर क्रेडिटेड विद शूटिंग डाउन 5 or more एनिमी एयरक्राफ्ट। यानी जो भी बंदा एयरक्राफ्ट चला रहा है उसे कम से कम 5 एनिमी एयरक्राफ्ट को गिराना होगा डॉग फाइट के दौरान, तब जाकर उसे एस फाइटर कहा जाता है। सॉरी ये गलत इमेज लग गया। हाँ, एरियल कॉम्बैट को डॉग फाइट कहा जाता है। 1915 में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान एडोल्फ पेगॉड जो पहले इंसान थे वो एस फाइटर बने। उन्होंने जर्मन्स के 5 एयरक्राफ्ट को गिराए, तब से ये कॉन्सेप्ट सामने आया। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से सिर्फ एक ही बंदा है उसे एस फाइटर कहा जाता है, और उनका नाम है लेफ्टिनेंट इंदिरा लाल रॉय। इनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस 2 मिनट में मैं समझा दूंगा। लेफ्टिनेंट इंदिरा लाल रॉय कोलकाता से बिलोंग करते हैं, और बचपन से ही उनका सपना था कि एक फाइटर पायलट बने, और काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्हें रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का मौका मिलता है। ईयर 1917, रॉय साहब फाइटर जेट उड़ा रहे थे फ्रांस में, और जर्मन्स ने उस फाइटर जेट को गिरा देते हैं। इस इंसिडेंट में वो अनकॉन्शियस और बहुत इंजूर हो जाते हैं, और वो सब देखकर डॉक्टर्स उन्हें डेथ डिक्लेयर कर मॉर्चरी रूम भेज दिया जाता है। कुछ ही समय बाद मॉर्चरी रूम के अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, और मॉर्चरी रूम के ओनर घबराते हुए जाकर दरवाज़ा खोले और देखते हैं तो क्या अपनी रॉय साहब जिंदा थे। एक्चुअली रॉय साहब मरे नहीं थे, बस डॉक्टर का अंदाज गलत था। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद डॉक्टर्स उसे अनफिट डिक्लेयर कर उसे कुछ रिकवरी टाइम दे देते हैं। रिकवरी पीरियड में भी रॉय साहब खाली नहीं बैठे। उन्होंने पायलट्स के सेफ्टी के बारे में और एयरक्राफ्ट के कई स्केचेस बनाए, और वो सारा मटेरियल इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम दिल्ली में प्रिजर्व किया गया है। फाइनली पूरे 5 महीनों बाद 1918 जून में रॉय साहब ने पूरे 9 फाइटर जेट्स को गिराए जर्मन्स के डॉग फाइट के दौरान, और इंडिया के बने इकलौते एस फाइटर। मगर ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही, और पूरे 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई दूसरे डॉग फाइट के दौरान। बस रॉय साहब और 3 या 4 महीने जिंदा रहते और वो बन जाते 20 साल के बंदे। तो चलिए गेम प्ले शुरू करने से पहले इस गेम के कुछ ग्लिम्स देख लीजिए। डेवलप्ड बाई यूनिटी। एस फाइटर मिराज 2000। एयरक्राफ्ट तो एकदम चकाचक दिख रहा है। 2, 3, 4 आईफोन, क्या बात है भाई, एयरक्राफ्ट कितने बढ़िया दिख रहे हैं। फाल्कन असॉल्ट सुखोई भी है, मिग F-15, F-14 सुखोई,
F-40 है इसमें, F-35। ओके शुरू करते हैं। ये सही रहेगा, नहीं अब ये सही है। हमें जाना है पॉइंट क्लियर करते हुए। यहाँ पर एक्सेलरेशन है ऊपर नीचे, वेपन्स यूजर्स 20 में पेट्रोलिंग होगी। मैं सिर्फ पेट्रोलिंग करने के लिए बोला है। अरे नहीं मिस हो गया। सही से जाओ, सही से। थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूँ। हमें जाना है इस छेद में से। लगता है राइडर पे कोई दिख गया है, उसे पहनते हैं पहले। बचा है भैया, और कोई बचा है? इसे उड़ाते हैं मिसाइल से। लॉक तो कर दे भैया, तुझे उड़ाएंगे हम मिसाइल। पर नहीं मरा है, छितड़े उड़ा दिए बंदे ने। बैक टू एयर बेस। हाय पायलट, वी नीड टू फिगर आउट वेयर द हॉस्टल फिगर्स केम फ्रॉम। फिर से बोल रहा है पेट्रोल करने के लिए। नॉस लगाते हुए फुल एक्सेलरेशन के साथ 2320 किलोमीटर पर आवर। गेम तो एकदम बढ़िया है भाई। ऐसा क्यों करता है यार? Yeah. एक बार देखते हैं कितने एल्टीट्यूड तक जा सकता है ऊपर। मिराज 2000, 6000, शिट 7.5 किलोमीटर तक जा पा रहा है। ग्रेट, वी जस्ट फाउंड एनिमी एयर बेस। चलो वहाँ पे बेलते पहले। उठा रुको, ऊपर नीचे आ रहा है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, काफ़ी नीचे थे हम। अब उड़ाते हैं, अब इजी रहेगा। अब एक्सेलरेशन नहीं देंगे।
कितने बचे हैं, और मेरे ख्याल से एक ही बचा होगा। मुझे लग ही रहा था उठाने का था, हम उठाए नहीं टाइम पे, नीचे क्रैश कर दिए, क्या ही बताएं। और कौन आ रहा है भाई, कुछ बंदे आ रहे हैं। ओह शिट, देख लेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। एक उड़ गया। भले यहाँ पर तो लॉन्च कर सकते हैं, मेरे पीछे काम कर लो तुम। भाई अपने लिए एयरक्राफ्ट में तो धुआं निकल रहा है, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। बहुत बुरी कंडीशन है, इधर से उधर से धुआं निकल रहा है। आउट, शॉट डाउन, दो बंदे गए, बस एक ही बचाया। ऑल क्लियर बड़ी, थोड़ा नुकसान तो हुआ है हमें। का गोल्ड मिला है भाई। हैंगर पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ पैसा भी आया रहता है अपने पास। इतने 7000 गोल्ड है अपने पास, इसे खरीदे, इसे खरीदेंगे। F5 टाइगर, और ये कितने 5000 वाला है, नहीं पहले इसे खरीदेंगे। ऑपरेशन पे चलते हैं, कैंपेन करते हैं, थर्ड सेकंड बेस। फोर्थ आइटम रिकमेंड कर रहा है, इसकी स्पीड क्या रहेगी। स्पीड तो कम दिख रही है सर, सबको ही मारना है। थोड़ा ऊपर उठाता हूँ और एम पकड़ लेता हूँ, रुक। अरे
बार बार घूम घूम कर सारा परेशान कर रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, अब घुमा लेता हूँ। कहाँ घूम रहा है ये, इधर से उधर, उधर से इधर, इतना परेशान कर रहा है अपने। थोड़ा नीचे चलता हूँ, परेशान कर रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है अपने। से बाहर चूहे की तरह भाग रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। चलो हो गया, नहीं 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 और इनमें 10 बचे अपना, यहाँ ये हो जाएगा आराम से। थोड़ा नदी चलते हैं, सारे एनिमीज भी डिस्ट्रॉय हो गए। अरे नहीं नहीं कोई बचा है, अरे अब इनसे कैसे पंगा लें, हम तो डैमेज हो गए पूरे के पूरे। आगे चलते हैं, आप लेता हूँ पीछे।
पीछे अब हो जाएगी लॉक। बिठी इसमें तो बिठी है साइड। बस थोड़ा सही रहेगा। तो क्यों नहीं उड़ रहा है? थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे। अब देखता हूँ, और कोई बचा है? एक बचा है। इससे क्या कर रहे हो यार तुम? ये ऐसे ही खेलते हैं। चूहा बिल्ली पड़ गई। मुझे पड़ी। अरे परेशान करने के लिए रखी। थोड़ा नीचे चलते हैं। शाना बन रहा है रे तू, हैं? और कितने बचे? हाँ ओके, हो गए। इतने अच्छे उड़ा दिए, मतलब हम भी बन गए एस फाइटर। क्या पैसे मिले कुछ? 8,000 F4 फैंटम। इसमें क्या है स्पेशल? न्यू एयरक्राफ्ट। चमन लोग क्या कर रहे हैं? बंदे यहाँ पर सर्वाइवल खेलते हैं, टीम ऑनलाइन खेलते हैं, कैसा करते हैं सर्वाइवल? क्या होगा? जब तक जिंदा रहो तब तक मारते रहो। नहीं, उसमें काफ़ी टाइम निकल जाएगा। टीम ऑनलाइन खेलते हैं। हाँ, अब पता नहीं F-15 आएगा या F-35 आएगा सामने। लग रहा है हम बच पाएंगे। उधर से इधर से सब तरह से फेल पाएंगे।
यही तामा मार हमें मारने वाला। तीन हो गए भाई और दो मारने हैं, चार हो गए। चला हम ही बचे हैं क्या? नहीं, और कोई तो दिख रहा है। जीत गए हार गए क्या हो रहा है? अरे हाँ जिंदा है हम, अब हम भी बन गए एस फाइटर, सबको पेल कर। ओके ऑनलाइन भी खेल लिए। पैसे कितने अपने पास? मुझे चाहिए थंडरबोल्ट, आईफोन, क्या खरीदते हैं? 10,000 गोल्ड। ओके पहले से काम चलाते हैं। M39 रिकमेंड कर रहा है। यार अंधेरे में क्यों खेल रहे हो यार तुम? चल जा छप्पन छुरी। क्या है जी? एयरवेज है क्या? ओके एयरवेज गिराना है। जाएंगे जो जमीन में। एक हो गया भाई, हमें भी पड़ी है उसे भी पड़ी है। काला काला धुआं निकल रहा है। दो हो गए, एक ही बचा है। चमचे कहाँ है तू? अब ये टाइम पास करेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, घूमेंगे। वो नीचे होगा, उसे लॉक करेंगे और फिर ओ तीन बंदे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सामने से आ रहे हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं और पीछे लेते हैं। बस सत्यानाश और बच्चा है ये, नहीं और दो बच्चे।
चमचे। अरे नहीं गया सारा रिश्ता, उन्होंने गाली नहीं। वहाँ से भी मिसाइल आ रही है, थोड़ा वो नीचे चलते। की बचा है मुर्गा, थोड़ा यूटर्न लेते हैं। सॉरी भाई यूटर्न नहीं रहता इसमें। सो ब्रो Return to base. हैंगर चलते हैं, कुछ पैसे कमाए हमने 12,000। इसे खरीदते हैं थंडरबोल्ट को या नहीं, पहले टाइफून को खरीदने से पहले थंडरबोल्ट को खरीदने के बोल रहा है। इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है ये। हिट पॉइंट, फायर पावर, स्पीड इसकी सही है, 2,500 तक है, 1700। लॉक रेंज 4 किलोमीटर, फायर हिट, फायर पावर, स्पीड कम है बस इसकी। काउंटर अटैक, कौन आने वाला है? अपने पास एक चमचा भी अपना हेल्प करने के लिए। क्या बात है, दो हो गए। छेद कर दिए, अपना फंडर क्या कर रहा है, चल ये छेद मार रहे तो। ये साला इसकी स्पीड कम है इसलिए दिक्कत आ रही है। रेंज सही पकड़ रही है रे, और एक अच्छा नहीं पीछे भी आ रहे हैं।
चमचों को उड़ा दिया। देखो पीछे सारा है, डेविड मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल छोड़ना पड़ेगा मुझे भैया। अरे कहाँ कहाँ से आ रहे बंदे, कंडीशन बहुत खराब है अपनी। अब इसने परेशान करा है, टुक 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 टुक। कोई मरा है? नहीं, कोई आ रहा है और बस भाई बस हो गया, 10,000 तो मिल गए। अब क्या खरीदते हैं? अरे नहीं, 20,000 का ही है टाइफून। स्पीड क्या है इसकी? 25,710। फिर पैसे कैसे कमाए अब? हिट देम हार्ड। ये बहुत बेवकूफ़ी होगी छोटे वाले पायलट से खेल। जैकपॉट, छोड़ गया, कितने
नहीं बचा है। इसका भी हम हो गए डैमेज। सारे टाइगर ले जा रहे हैं।
अब चलते हैं घर, 10,000 मिले। हमें परचेज करना है टाइफून, टाइफून की स्पीड देखते हैं एक बार। सही है, 2500 इसकी ज़्यादा लग रही है। F-35 भी कम है, कोई नहीं। टाइफून नाम में तो तूफान ही दिख रहा है। कैसे, कहां पर उड़ाएंगे इसे? कैंपेन पे ही चलते, हिट हार्ड करते फिर से। इसकी स्पीड एकदम हवा से बात कर रही है। अपने पास भी बंदे हैं 3-4। पहले पेट्रोलिंग करना है हमें। सपोर्ट दी पूरे, हम 5 हैं। अरे ये क्या है यार, आराम से क्लियर हुआ या नहीं? हाँ हो गया। बेस पूरा नहीं चाहिए, बेस पूरा नहीं चाहिए। अरे यहाँ, हाँ नीचे से फायरिंग कर रही है। जो एक्टिव में उसे ही गिराना है। उन्होंने तो हमें डैमेज दे दिया है। हाँ क्या बात है भाई, सही है, एकदम सही है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।